समझिए हमारे पास चार संख्या है, यानी ए बी सी और डी। ये चारों वेरिएबल के नाम हैं। इनके अंदर हम कोई चार नंबर अनइक्वल नंबर एंटर कर सकते हैं। समझ लीजिए हम नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी चाहे वो नंबर एंटर कर सकते हैं। अभी इस एल्गोरिथम में हमें ये करना है कि हमें इन चार नंबरों में सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस लाइन में देखोगे सेकेंड स्मॉलेस्ट है 3, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आपको सेकेंड स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कभी कभी जब रियल लाइफ में आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब आपको लगेगा कि कोई यूज़र पूछ सकता है कि मुझे डिपार्टमेंट में किसकी सेकेंड हाईएस्ट एज है, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी है, ठीक है। ऐसी चीज़ पूछा जा सकता है। आपके कॉलेज स्कूल या कॉलेज में सेकेंड टॉपर का नाम और नंबर बताइए। तो ऐसे लॉजिक करने से आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। तो अगर हमें सेकेंड लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास चार वेरिएबल्स चाहिए, ए बी सी और डी, और दो वेरिएबल चाहिए, लार्ज और सेकेंड लार्ज। ए लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर करेगा यानी 4, और ए एस लार्ज जो है सेकेंड लार्जेस्ट यानी 3 का वैल्यू स्टोर करेगा। तो हमारा पहला कदम होगा एल्गोरिथम में स्टार्ट के बाद हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम वेरिएबल्स ए बी सी और डी यूज़ करेंगे जिसमें ये सारे चार वेरिएबल्स स्टोर हो जाएंगे। लार्ज और एस लार्ज इसमें 4 और 3 स्टोर हो जाएंगे। जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो वैल्यूज़ लार्ज और एस लार्ज में सेव हो जाएंगे। तो मेरा पहला स्टेप होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद मुझे वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ पढ़ना होगा। तो मैं यूज़र से कहूँगा रीड ए बी सी डी। तो कीबोर्ड से यूज़र वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी और डी एंटर करेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा अप्रोच ऐसा रहेगा, मैं एक वेरिएबल एट अ टाइम प्रोसेस करूँगा, ठीक है। तो जब मैं ए देख रहा हूँ तो मेरा बड़ा भी क्या है 1 है और सबसे सेकेंड लार्ज भी 1 ही है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप में लार्ज भी 1 है, सेकेंड लार्ज भी 1 है। तो इससे मैंने क्या कर लिया, ए को मैंने डील करके उसे प्रोसेस कर दिया। तो मेरा पहला कदम होगा, मेरा लार्ज भी होगा ए और सेकेंड लार्ज भी होगा ए, ठीक है। ये रहा प्रोसेसिंग ऑफ ए। अभी आप बी देखोगे तो अगर आप बी देखोगे पहले केस में इस लाइन पे बी लार्ज से बड़ा है तो मेरा लार्ज बनेगा बी और सेकेंड लार्ज जो ए का वैल्यू था वही रहेगा। तो ए रहा एक केस। अभी ए भी हो सकता है कि अगर आप सेकेंड केस देखोगे, यहाँ मेरा लार्ज पहले 2 था, सेकेंड लार्ज भी 2 था। जब मैंने बी को देखा मेरा सिर्फ सेकेंड लार्ज चेंज होके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए लॉजिक हमें डील करना पड़ेगा। तो पहले केस में बी बिगर देन लार्ज होगा, बिगर देन लार्ज। तो उस केस के लिए मैं क्या करूँगा, अगर बी लार्ज से बड़ा है तो मैं सिर्फ लार्ज का वैल्यू बी से बदल दूंगा। तो अगर बी लार्ज से बड़ा है तो बी का वैल्यू लार्ज में कॉपी हो जाएगा, जैसे इस स्टेप में, इस केस में। एल्स केस में होगा जैसे ए है, ये हो सकता है कि बी सेकेंड लार्ज से छोटा हो तो इसलिए हमें सेकेंड लार्ज चेंज करके 1 करना है, जैसे इस केस में। तो एल्स केस में ए आएगा। इफ़ बी लेस देन सेकेंड लार्ज देन सेकेंड लार्ज जो है बी का वैल्यू लेगा, जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में। तो ए क्या कर दिया, मैंने बी को भी प्रोसेसिंग ख़त्म कर दिया। तो अभी बच गए सिर्फ 2। तो अभी मेरे पास क्या हुआ है, लार्ज भी है, सेकेंड लार्ज भी है। तो अभी मैं इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा मुझे। अगर मैं सी देखूँ, सी का वैल्यू ये हो सकता है कि लार्ज से बड़ा हो सकता है। अगर सी लार्ज से बड़ा है तो अभी जो मेरा लार्ज है वो यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ आएगा और सी का वैल्यू 3 यहाँ आ जाएगा। ये एक केस था। ए भी हो सकता है जैसे इस केस में, ठीक है। मेरा क्या है 3 और 1 फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट रहेंगे। जब मैं 2 देखूँगा, 2 3 से तो बड़ा नहीं है लेकिन 2 1 से बड़ा है, तब ए हटा के मुझे सी का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो इस लॉजिक हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे। तो मैं पहले पूछ रहा हूँ क्या सी ग्रेटर देन लार्ज है। अगर ट्रू है तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे इस केस में है, मैं क्या कर रहा हूँ, लार्ज का वैल्यू हटा के मैं सी का वैल्यू डाल रहा हूँ और सेकेंड लार्ज का वैल्यू जो अभी लार्ज का वैल्यू था वो ले लेगा। तो अभी ये देख लीजिए आप, जो सेकेंड लार्ज है वो अभी लार्ज का वैल्यू ले लेगा और जो सी है लार्ज का वैल्यू उसमें कॉपी हो जाएगा। अभी एल्स इफ केस में भी बता रहा था मैं, जैसे यहाँ पे था,
तो अगर C सेकेंड लार्ज से बड़ा है तो मैं सिर्फ सेकेंड लार्ज का वैल्यू C का वैल्यू कॉपी कर दूंगा। अगला स्टेप में अभी C का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, अभी मुझे D के बारे में देखना है। D का भी ऐसा ही है। D फॉर एग्जाम्पल अगर आप चार में देखोगे, D का वैल्यू लार्ज से बड़ा है तो मेरा सेकेंड लार्ज होगा 3 और D का वैल्यू बनेगा लार्ज। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोड स्टेप नंबर 7, इफ D ग्रेटर देन लार्ज, लार्ज देगा अपना वैल्यू सेकेंड लार्ज को और D का जो नया वैल्यू है वो लार्ज में चला जाएगा। और एक केस ऐसे भी हो सकता है जहाँ जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा, C तक मेरा लार्ज होगा 4, सेकेंड लार्ज होगा 2, लेकिन अभी जो 3 है 2 से बड़ा है तो मेरा इफ कंडीशन एल्स कंडीशन में क्या आएगा, एल्स डी ग्रेटर देन सेकेंड लार्ज, तो मेरा सेकेंड लार्ज लेगा डी का वैल्यू, ठीक है, डी का वैल्यू लेगा। इसके बाद क्या होगा, सेकेंड लार्ज डिस्प्ले होगा और वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये रहा सेकेंड लार्ज और ये स्टॉप हो जाएगा। तो अगर हमें इस लॉजिक को चेक करना है तब हमें एक सैम्पल इनपुट देके इसका वर्किंग हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, समझ लीजिए मैंने दे दिया 2, 3, 4 और 0, ठीक है, ये रहे मेरे 4 नंबर। तो मेरा समझ लीजिए मैंने ए इनपुट यूज़र से पढ़ लिया, तो मेरा पहले केस में लार्ज भी ए है, सेकेंड लार्ज भी ए है, मतलब अभी क्या होगा, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो मेरा क्या होगा, यहाँ नीचे लाएंगे ताकि लार्ज और सेकेंड लार्ज भी दिख जाए आपको। तो लार्ज का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, सेकेंड लार्ज भी 2 होगा। तो अभी मैंने क्या कर दिया, ए को प्रोसेस करके क्लोज कर दिया। अभी मैं बी देख रहा हूँ, जब मैं बी देख रहा हूँ, बी लार्ज से बड़ा है तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ लार्ज का वैल्यू हटा के इसे 3 कर दूंगा और जो सेकेंड लार्ज है वो ए का वैल्यू ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों नंबर में लार्ज थे 3 और सेकेंड लार्ज था 2। तो तब लॉजिक ऐसा आएगा, बी 3 ग्रेटर देन 2, यस लार्ज बन गया 3 और बाकी कुछ एल्स इफ नहीं जाएगा, 6 स्टेप पे आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं 4, 4 सी का वैल्यू है, क्या सी का वैल्यू 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, लेकिन हम इस लार्ज को रिप्लेस करने से पहले हम 3 का वैल्यू यहाँ लेंगे, 3 यहाँ कर देंगे और जो सी का वैल्यू लार्ज को दे देंगे तो सी बनेगा 4 और सेकेंड लार्ज बन गया 3, ठीक है। तो अभी एल्स इफ में नहीं जाएगा क्योंकि सी इफ कंडीशन ट्रू हो गया तो एल्स इफ में नहीं चले जाएगा। अभी डी पे आ गए हम, डी का वैल्यू 0 है, 0 क्या 4 से बड़ा है, नहीं है, 0 क्या एल्स इफ में आएगा, क्या 0 3 से बड़ा है, नहीं है, तो मेरा सेकेंड लार्जेस्ट 3 ही रहेगा और आउटपुट स्क्रीन पे हमारा 3 डिस्प्ले होके ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो ये था लॉजिक आपको सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का एक अल्गोरिथम की द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, इसलिए आप मैं कहता हूँ इसे 1-2-3 बार देखिए, अलग अलग सैम्पल इनपुट ए बी सी के देखिए, उसका आउटपुट देख लीजिए कि सही आउटपुट आ रहा है या नहीं है। मैं आपके लिए 1-2 चैलेंज प्रॉब्लम दूंगा, अगर आपके पास 5 अनइक्वल नंबर है, ठीक है, इसका सेकेंड स्मॉलेस्ट फाइंड आउट कर दीजिए, अगर 5 अनइक्वल नंबर है सेकेंड स्मॉलेस्ट फाइंड आउट कर दीजिए। और अगर इससे एक बड़ा स्टेप लूंगा आपको, अगर आपके पास 6 नंबर है, अगर समझ लीजिए मुझे और 6 नंबर अलग अलग है, मतलब एक ही नहीं अलग अलग है, कोई एक नंबर दूसरे नंबर से नहीं मिलता, तब मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करके कोशिश कर दीजिए। अगर आप ये दोनों फ्लो चार्ट या अल्गोरिथम बना सकते हो, इसकी लॉजिक बना सकते हो, समझ लीजिए आपका लॉजिक बहुत ही बढ़िया है, तो आप प्लीज़ ये दोनों प्रोग्राम ट्राई कीजिए। आपको टेस्ट करने के लिए मैंने बता दिया, आपको लॉजिक लिखने से पहले टेबल बना के आपको डिसाइड करना है कि कौन से वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल्स के अंदर आप इनपुट वैल्यू दे सकते, वो वैल्यू देख के आप आराम से लॉजिक बना सकते हैं। तो ऐसे ये प्रोग्राम ट्राई कीजिए, अगर आपका ये आ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम सा बढ़ जाएगा और आपको कोई लॉजिक प्रॉब्लम नहीं लगेगा और आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक बेसिक्स बहुत फंडामेंटली क्लियर हो जाएंगे।